उदीपन वर का वर्णन किया है और संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार का इसमें वर्णन है और सुकोमल पक्ष को लिया है। प्रकृति का मानवीकरण किया है, क्या किया है? मानवीकरण किया है और प्रकृति को मानव की सहचरी बनाकर, सखी बनाकर उन्होंने जीवन में उतारा है कि किस प्रकार से जो है प्रकृति मनुष्य के फुर्सत के क्षणों में या मनुष्य के जीवन में एक सखी सहेली बनकर किस प्रकार मनुष्य से बातें करती है, किस प्रकार उसका मनोरंजन करती है या किस प्रकार उसका साथ देती है। तो सोन जूही की बेल नवेली एक वनस्पति वर्ष हर्ष से खेली फूली फैली सोन जूही की बेल नवेली। सोन जूही की बेल का वर्णन है, एक वनस्पति वर्ष पूरा वर्ष जो है वो फैली है, फूली है, उस पर फूल आए हैं और वो बड़ी हुई है, हर्ष के साथ खेली है, बड़े प्रसन्नता पूर्वक उसने अपना समय व्यतीत किया है बड़े होने में। फूली फैली अर्थात वो हर तरह से संपन्न हुई है और मुग्धा अवस्था को पहुंची है। आंगन के बाड़े पर चढ़कर दारू थमको गलबाही भर सोनी टेक कंगूरे पर वह मुस्काती अलबेली सोन जूही की बेल छबीली। देखिए सोन जूही की बेल छबीली नायिका के रूप में बेल को छबीली कहकर उसने कवि ने उसका जो चित्रण किया है एक नायिका के रूप में किया है। उसने कहा कि जिस प्रकार एक नायिका जो है आंगन के बाड़े पर चढ़कर छोटी से बड़ी होती है, इसी प्रकार बेल जो है वो आंगन के बाड़े पर चढ़कर उसका सहारा लेकर और दारू खम्ब को गलबाही भरकर जो खम्बा है उसको जो उसके पेड़ को उसके जो है बाहों में लेकर आलिंगन बंद करके अपने कोहनी को कंगूरे पर टेक कर छज्जे पर अड़ा कर उसे जो है मुस्कुराहट बिखेर रही है। एक नायिका के समान वो अलबेली बेल जो है अपनी मुस्कान को बिखेरते हुए फैल रही है, फूल रही है और आगे बढ़ रही है, अपनी यौवनावस्था को प्राप्त हो रही है। दुबली पतली देह लतर लोनी लंबाई। दुबली पतली है, कैसी है वो नायिका? बिल्कुल दुबली पतली छरहरे शरीर वाली है नायिका और उसकी देह लतर, लतर का अर्थ क्या है? लता, लता, लता जो है वो बिल्कुल दुबले पतले शरीर वाली है अर्थात अभी उसमें जो है भराव जो है वो नहीं आया। और लोनी लंबाई, लंबाई कैसी है उस नायिका की? बहुत सुंदर, उसी प्रकार वो बढ़ती चली जा रही है। फूलों के गुच्छों से उभरे अंक की गोलाई निखरे रंगों की गोराई शोभा की सारी सुभराई।